पूरा पक्षवात पर इतना अच्छा बढ़िया महिला में आज तीसरी वार्ता है प्रयागशु की। आप जानते हैं कि कोपला की प्रयत्न कर रहा है कि कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहां हस्तक्षेप की जरूरत है हल्के से हस्तक्षेप किया जाए। उसका पहला पक्ष है ये वार्ताएं जिनमें हम कलाकृति को देखने का एक तरह का अनौपचारिक प्रशिक्षण देने की चेष्टा कर रहे हैं और विभिन्न दृष्टियों से। इसमें सिर्फ कला विशेषज्ञ ही नहीं है बल्कि फिल्मकार, रंगकर्मी, कवि, पत्रकार इत्यादि भी धीरे धीरे आएंगे ताकि कलाकृति को देखने की जो अनेक दृष्टियां समाज में सक्रिय हैं उनसे हमारा परिचय हो सके। जैसा आप जानते हैं हम आगे जाकर कला आलोचना और कला इतिहास में कुछ युवा लोगों को आकर्षित करने के लिए फेलोशिप्स भी स्थापित कर रहे हैं। युवा कलाकारों की एक बड़ी राष्ट्रीय प्रदर्शनी करने का भी इरादा है और जो हमारे प्रसिद्ध कला संस्थान है बसंत शांति निकेतन, यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट, बड़ौदा की फैकल्टी, भरत भवन इत्यादि पर पुस्तकें भी निकालने की योजना है। ये जो सीरीज है लुकिंग एट आर्ट, उसमें अभी तक फिल्मकार कुमार शाहनी और कला आलोचक रंजीत होसकोटे बोल चुके हैं। आज प्रयाग शुभ की बारी है। अब प्रयाग जी के बारे में कोई एक बात बताना थोड़ा संभव नहीं है। मतलब रंजीत होसकोटे कविता लिखते हैं और आलोचना लिखते हैं, बाकी और झक मारते होंगे वो अलग बात है। प्रयाग जी बहुत सारे काम एक साथ करते हैं। बुनियादी तौर पर हम एक ही पीढ़ी के कवि हैं, लगभग एक साथ हम लोगों ने शुरू किया था। प्रयाग जी आगे निकल गई और बात है, उन्होंने फिर कला आलोचना भी की है, कहानी भी लिखी है, पत्रकारिता भी की है, कला संयोजन भी करते हैं। हम हर कलाकार से, हर वक्ता से ये अपेक्षा करते हैं कि वो एक कलाकृति पर बोले, क्योंकि अक्सर हम कलाकृतियों के झुंड देखते हैं। प्रदर्शनी में 10-12 देखी, किसी एक के सामने ठिठक के एक आध मिनट खड़े हो गए तो खड़े हो गए, वरना असल में देखते नहीं। थोड़ा बहुत मुआइना जैसा, एक नजरी मुआइना, रेवेन्यू कानून में एक शब्द होता था नजरी मुआइना, एक बार देखा तो पता लग गया कि फसल गेहूं की है कि चने की है कि काहे की है, ऐसा नजरी मुआइना सा करते हैं। तो एक तो यह कि देखने का अर्थ क्या है और देखने से किसी कलाकृति के कितने अर्थ खुलते हैं, ऐसे अर्थ जिनका हमें संदेह नहीं था, ऐसे अर्थ जो अगर उन तत्वों को एक दूसरे के तालमेल में देखें तो अर्थ बनता है, अगर न देखें तो नहीं बनेगा। कि रंगों की अपनी भाषा भी है, कि आकारों का अपना अर्थ भी है, वो किसी चीज से मिलते जुलते आकार हो ये जरूरी नहीं है। आप जब स्वामीनाथन की चित्रकला पर, इस कृति पर प्रयाग जी को सुनेंगे, आपके सामने ये प्रकट होगा कि कैसे स्वामीनाथन ने अपनी इस प्रसिद्ध, और ये प्रसिद्ध इस अर्थ में भी है कि इस पर बहुत सारे कवियों ने कविताएं लिखी, जिनमें से एक मैं भी हूँ और कमलेश जी आते होंगे, उन्होंने भी कविता लिखी है, सर्वेश्वर जी ने कविता लिखी है, वो
स्वामीनाथन उन लोगों में से थे जिनका चित्रकार के रूप में जिनका दूसरे कलाकर्मियों से बहुत गहरा संवाद भी था, बड़ी दोस्ती भी थी। उनके एक दोस्त कृष्ण बलदेव वैद्य यहाँ आज आए हुए हैं। तो इसलिए ये जो एक तरह से एक कलाकृति में जो कुछ है वो भी देखना और उस कलाकृति के माध्यम से एक कलाकार को भी देखना, क्योंकि अंततः एक कलाकार अपनी कलाकृतियों में ही जीता या मरता है, उसी में वो बाकी रहता है, उसी में वो एक तरह का अतिजीवन यानी दूसरा जीवन पाता है जो उसके भौतिक जीवन से सौभाग्य से बहुत अधिक लंबा होता है अगर वो बड़ा कलाकार हो जैसा कि देखिए स्वामीनाथन। महाराज मैं उपल आर्ट की ओर से प्रणाम जी का स्वागत करता हूँ। उन्होंने कहा है कुछ देर बैठ के बोलेंगे, कुछ देर खड़े होकर बोलेंगे, हो सकता है नाच कर भी बोले। विभिन्न कलाओं का मुझे अंदाज कुछ तो है, कुछ का हो सकता है कभी हो। महाराज हम धूमिमल आर्ट गैलरी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमने तो यहाँ इस बेटी की वो ट्रांसपेरेंसी है जो भी ससुर कहते हैं आजकल उनके नाम से बदल गए वो लगा रखी थी, लेकिन उन्होंने मूल कलाकृति भी हमारे लिए ला दी है जो कि सामने प्रदर्शित है। अगर आपने सामने मतलब बाहर तो जाते हुए इसको फिर से देख सकते हैं अगर आते हुए आपने न देखी, और जाते हुए आप पाएंगे कि प्रयाग जी ने उस पर कितना अर्थारोपण कर दिया है। शोक जी आवाज आ रही है मित्रों, जैसा कि शोक जी ने कहा हम कलाकृतियां झुंड में देखते हैं और अक्सर इतना ज्यादा फोकस हर पेंटिंग पर हमारा नहीं हो पाता है किसी मूर्ति शिल्प पर। ये बिल्कुल सच है, जब से मैंने पूछा इसलिए ये फिर बैठ कर बोल बता दीजिए क्योंकि आवाज पहुंचे बहुत जरूरी। अब आ रही है बिल्कुल तो मेरे साथ ये हुआ है जब से ये तय हुआ कि मैं इस पेंटिंग पर बोलूंगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते मुझे ये पेंटिंग और इसकी इमेज या इमेजेस दिखती हैं। ये बिल्कुल संयोग है और बहुत अच्छा संयोग है, शुभ जी जानते हैं हम लोगों ने बहुत समय साथ के बिताया है। और ये पेंटिंग है 79 की और कह सकता हूँ कि कुछ हमारे सामने रची गई है, इस अर्थ में कि मूर्ति शिल्प का मामला जरा अलग है। तो जब वो आप कुछ कोई मूर्ति शिल्पी कुछ गढ़ रहा होता है तो आप कई उसके स्टेजेस पहचान सकते हैं, पर चित्रकला में ऐसा नहीं होता। इसलिए ये तो नहीं कह सकता कि मैंने उसकी पूरी रचना प्रक्रिया देखी है, पर कुछ अंशों में देखी है क्योंकि स्वामी उन दिनों गढ़ी में काम करते थे, साउथ एक्सटेंशन में रहते थे और दोनों ही जगहों में मेरा निरंतर आना जाना, मतलब ये मान सकते हैं आप इन दिनों की सप्ताह में 3-4 दिन हम लोग साथ होते ही थे। तभी धूमिल गैलरी में जहाँ से पेंटिंग आई है और जहाँ इसकी प्रदर्शनी हुई थी 80 में जो प्रदर्शनी हुई थी, मेरे ख्याल में इतना ध्यान नहीं है कि ये चित्रकृति वहाँ थी कि नहीं थी, लेकिन 1980 का कैटलॉग का जो टेक्स्ट था संयोग से वो भी मैंने लिखा था और ये मेरे ख्याल में उस प्रदर्शनी में भी थी। तो इसको बहुत बार देखा है, उन दिनों देखा है, कई तरह से देखा है, पर एक करके देखना वो मामला सचमुच बहुत अलग है। ये मैं अपने महीने भर पहले के अनुभव से कह सकता हूँ। हम जानते हैं कि बहुत सारी पेंटिंग्स ऐसी हैं हमारे समकालीन कला जगत में जिनकी याद हम उनके टाइटल मात्र से कर सकते हैं, जिनमें से एक है बिटवीन द लैम्प एंड द स्पाइडर, उसे सारी पेंटिंग। स्वामी के साथ ये रहा है कि सीरीज की याद आप करते हैं, जैसे ये बरसों बरस उन्होंने इस तरह की इमेजेस में काम किया और एक बार तो ये जिसको स्वयं स्वामी ने याद किया था अपने एग्जीबिशन के कैटलॉग में जो उनकी अंतिम प्रदर्शनी हुई थी बढ़ेरा में, एक बायोनोट उन्होंने लिखा था
उसमें ये लिखा था कि कभी के नायर ने, कृष्ण चैतन्य ने ये लिखा था कई बरस तक चिड़िया देखकर उनके काम में, कि अब अगर स्वामीनाथन की पेंटिंग में अगली बार मुझे चिड़िया देखी तो मैं उस पर पत्थर मारूंगा। अच्छा, स्वामी ने इसको अपने ढंग से मतलब एंजॉय भी किया और लेकिन याद भी रखा, और वो एक बात कहने का ढंग था, क्रिटिक का भी और उसको कलाकार को उसको अपनी तरह से लेने का भी। बहरहाल जो बात मुझे शुरू में कहनी चाहिए थी वो अब कहता हूँ, वो भी बहुत जरूरी है आज का अपना ये संवाद। मैं भवानी स्वामीनाथन जी को समर्पित करता हूँ, क्योंकि उनके बिना स्वामी की, स्वामी के काम की कल्पना हम लोग नहीं कर पाते। हम लोग जो उनके बहुत निकट रहे हैं, जिन्होंने उनको उनके जीवन को देखा जाना है, वो स्वामीनाथन की पत्नी और हर्षवर्धन और कालिदास की माँ और बहुत लोगों के लिए इस हॉल में कई लोग बैठे हुए उस जमाने के जो उनको अम्मा जी कहकर बुलाते थे, तो मैं ये संवाद को समर्पित करता हूँ। ये वो दौर था स्वामीनाथन का जब ये पेंटिंग रची गई थी, तब इन इमेजेस से वो आगे चलकर मुक्ति पाने वाले थे। वो शाम भी मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब अशोक जी और मैं स्वामी को इस बात के लिए मनाने के लिए गए थे, अशोक जी कहने पर मैं उनके साथ गया था, कि वो भारत भवन चले और भारत भवन जाकर उन पत्थर का संग्रहालय बनाए। आप जानते हैं कि इसके बाद ये 79 की पेंटिंग है, 80 में स्वामी शायद 79 के अंत में ही 80 में वो भोपाल पहुंच गए थे, और फिर 82 में भारत भवन का उद्घाटन हुआ, फिर बीच में उन्होंने कुछ जल रंगों में काम किया जिसकी प्रदर्शनी फिर बल गैलरी में लगी, और उसके बाद का दौर आप सब जानते हैं जब वो रूपंकर के दो हिस्से बना रहे थे, जब उन्होंने रूपंकर में आधुनिक समकालीन कला का एक हिस्सा बनाया, ये सोचा उन्होंने, और दूसरा आदिवासी और लोक कला का संग्रह जिसके लिए बहुत सारी यात्राएं उन्होंने बस्तर की, मध्य प्रदेश के कई अंचलों की, जिनमें से कई छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। मैं भी उनके साथ 15 दिन एक यात्रा में शामिल था, और उस यात्रा ने और स्वामी के शुरू के सोच ने मिलकर फिर जो चीज पैदा की वो एक और नई चीज थी जो वडेरा में प्रदर्शनी से जाहिर हुई थी। ये सारी बातें मैं इस पेंटिंग के संदर्भ में ही कर रहा हूं, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि स्वामी का जैसे काम है वो बहुत लंबा रहा, कभी कभी कुछ लोगों को लगा कि वो रिपीटेटिव था, पर हम लोग जो जानते रहे हैं, बहुत सारे लोग, हम ही लोग नहीं, बहुत सारे लोग भारतीय कला जगत के, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि स्वामी ने कभी किसी चीज को जानबूझकर नहीं बदला। और वो कहते भी थे कि जब लोग कहते थे कि आप वर्षों से ये पेड़ पहाड़ चिड़िया शिलाखंड बना रहे हैं और रंग भी कमोबेश एक जैसे हैं, तो स्वामी कहते थे कि कल मैं बैलगाड़ी ये घोड़ा गाड़ी बनाना शुरू कर दूं तो मेरा काम बदल जाएगा। वो सचमुच बदला उनकी अपनी शर्तों पर, और हम लोगों ने देखा उनके अंतिम वर्षों में 93 में शायद प्रदर्शनी भी थी उनकी अंतिम प्रदर्शनी वडेरा में, उस समय हम लोगों ने देखा कि कैसे स्वामी का काम बदला है। बहरहाल इस पेंटिंग की ओर लौटता हूँ। आप देख रहे हैं कि इस पेंटिंग में एक दो शिलाखंड जैसे आकार हैं, उस पर एक चिड़िया बैठी नहीं है, अभी भी शायद उड़ने को है, और फिर बीच की एक चिड़िया नजर नहीं आ रही। तो आपको बाहर की जो ओरिजिनल पेंटिंग लगी हुई उसमें आप देख सकेंगे वो लगभग उसमें मर्ज हो गई है, और फिर एक ये हरी चिड़िया है, और नीचे वाला जो हिस्सा है जिसको आप मतलब सोपान कह सकते हैं, तो पिरामिड जैसा आकार है, और उसमें जो बाई तरफ का रंग है डार्क डेंस, वो काला नहीं है, वो ब्लूइश है। जब आप ओरिजिनल देखते हैं तो आप उसको पहचान पाते हैं, और इधर वाला हिस्सा जो है वो तो आप देख ही रहे हैं पीला है और धूप का है। नहीं, मैं कोई कष्ट नहीं, मेरे ख्याल बिल्कुल ठीक है, तो जब वो कुछ पढ़ना होगा तो लाइट लाइट जल रहा डेस्क की लाइट जल रहा रोशनी उधर से बंद होती, शायद आपके
आप जहाँ बैठे हैं आपके सिर के ठीक चलो देख पा रहे हैं ठीक है। और आप देख रहे हैं कि बीच का जो हिस्सा है, जो उसको आप इंटीरियर स्पेस कहें, ग्राउंड कहें, और वो भी उसमें भी रंग है, इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। ये देखिए, कुछ बड़ी मोटी बातें मैं कहूंगा, और ये मैं पहले से कहता हूँ, कुछ ऐसा नहीं कहने जा रहा जो आपको को लगे कि बहुत नया कुछ कह रहा हूँ, पर उसको दोहराना जरूरी है। जिसको फलक कहेंगे प्रकृति के दिए हुए, वो तो वास्तव में दो हैं, एक जमीन, और जमीन में मैं सब चीजों को शामिल कर रहा हूँ, जिसमें पहाड़ है, नदियां हैं, धरती है, जिसमें चीजें उगती हैं और उभरती हैं, और दूसरा फलक है आकाश, जहां तारे उगते हैं, सूर्य और चंद्रमा को हम देखते हैं। आकाश ठीक वैसा फलक नहीं है जैसे कि धरती है, जो ज्यादा टेंजिबल है, सॉलिड है, लेकिन जहाँ हम आकारों को उगता हुआ देखते हैं। पर पेंटिंग की ये एक मजबूरी है इस माध्यम की, कि जो बीच का हिस्सा है, भले आप ऐसा नहीं कि आप आकाश ही बना रहे हो, चिड़िया को वहां उड़ाना है, अगर आप कमरा भी बना रहे हैं तो आपको बीच का हिस्सा भरना पड़ता है। अक्सर कुछ खास के एब्स्ट्रैक्ट आर्ट्स की बात मैं नहीं कर रहा फिलहाल, लेकिन जहां कोई भी इमेज है, उस इमेज को प्लेस करने के लिए आपको वो उस जगह भी रंग देना ही पड़ता है जहां रंग नहीं है। जैसे इस समय मेरे और सीलिंग, यहां जहां मैं खड़ा हूं और सीलिंग के बीच में कोई रंग उस तरह का नहीं है, ज्यादा ज्यादा लाइट है, लेकिन आपको वो रंग एक चित्रकार को देना ही पड़ता है। तो आप देखें तो स्वामी के ये जो काम है इस सीरीज के, खासतौर पर जो बरसों बरस उन्होंने किए हैं एक खास तरह के रंगों में, जिसको मिनिएचर चित्रों से भी जोड़ा गया, और सही जोड़ा गया, क्योंकि स्वामी ने एक इस पेंटिंग में भी आप देखें तो आपको याद आ सकती है कि बसोहली के चित्रों की, राजस्थान के, राजस्थानी शैलियों की, अलग अलग रियासतों वाली शैलियों की, के रंगों की। तो एक काम तो मेरे ख्याल में स्वामी ने ये किया, और बड़ी समझ से शायद किया, कि कथा हटा दी, विवरण हटा दिए, तब उन्होंने ये ग्राउंड प्राप्त किया, ये जमीन प्राप्त की, ये पिक्टोरियल स्पेस प्राप्त किया, ये आकाश प्राप्त किया, और ऐसा चमत्कार सचूचे तो उन्होंने गढ़ा कि हर बार हम लोग विस्मित होते हैं। विस्मय वैसे उनका एक प्रिय वो रहा है, अभी कुछ कोटेशन आपको पढ़कर सुनाऊंगा उनके, जो उन्होंने समय समय पर लिखे हैं, कि और वो ये मानते थे कि जो भी है क्रिएटिव एक्ट के दौरान वो घटित होता है, और शायद चित्रकार भी उसको पूरी तरह नहीं जानता। पर स्वामी के इस कहने के बावजूद मैं ये मानता हूँ कि उनको कई चीजें काफी दूर तक पता रहती थी, या आप ये कह सकते हैं कि उसके पीछे एक चिंतना थी, इन इमेजेस के पीछे भी एक चिंतना थी। अभी आपको थोड़ी देर में कॉन्ट्रा 66 में जो पत्रिका स्वामी एडिट करते थे, उसमें एक इशू में उनका एक लिथोग्राफ जारी हुआ था, वो आपको दिखाऊंगा, तो आप शायद पहचान पाएंगे कि कुछ ज्यामितिक तरह की चीजें उनके काम में शुरू से मौजूद थी, और ये भी इस तरह के सोपान, त्रिकोण, तो त्रिकोण उनके यहाँ ज्योमेट्रिक एक तरह का फॉर्मेशन शुरू से रहा है, ज्योमेट्रिकल, और वो उसको मैं ये जरूर मानता हूँ कि वो उसमें काफी एक सोच था। तो ऐसा नहीं था कि स्वामी कुछ काम करते जा रहे हैं और उभरता जा रहा है वो, लेकिन उसको मैं रिपीटिशन नहीं मानता। अब आप देखें तो इसमें पहली चीज जो इसी पेंटिंग में होती है कि पहले तो हमको ये पूरा जो पिक्टोरियल स्पेस में जो रंग है, बहुत रेड एक खास तरह का, वो बिल्कुल पकड़ लेता है। और मैं उस शाम की याद करता हूँ जब पहली बार स्वामी के घर में एक बड़ी पेंटिंग उनकी देखी थी, राम कुमार जी भी थे, विमला जी भी थी, ये बात शायद 68 की है, उनको जब नेहरू फेलोशिप मिली थी उससे कुछ दिनों बाद की, जब बहुत बड़े आकार का उन्होंने चित्र बनाया था, उसको अंदर देखती अभी भी उस शाम की मैं याद कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल विस्मित हो गया था कि मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ जो मैंने कम से कम पहले न केवल भारतीय चित्रकला जगत में बल्कि कहीं किसी विदेशी पश्चिमी जगत में भी नहीं देखा, इस स्पेस का ऐसा इस्तेमाल।
रंग का एक ऐसा सम्मोहन और उसकी एक ऐसी जमीन जिसमें आप इमेजेस को उड़ा सकते हैं, बैठा सकते हैं, हवा में लटकाए दे सकते हैं, वो कमाल था। और आज भी जब मैं देखता हूँ तो लगता है क्या कमाल है। अब आप देखिए तो इसमें गति है, स्थिरता है, रंगों का जो स्वामी ने जरा कम किया है लेकिन इस पेंटिंग में किया है, एक खास तरह का कॉन्ट्रास्ट। क्या आप यही मान लें कि एक हिस्सा धूप में है, छाया में है, उसके इंटरप्रिटेशंस बहुत तेरे हो सकते हैं। और मैं उन लोगों में हूँ, और स्वामी भी इस बात को बहुत जोर देकर कहते थे कि कला में कोई एक अर्थ नहीं होता, और मैं भी ये मानकर चलता हूँ कि किसी कलाकृति में अगर एक ही मतलब है तो उससे खराब कलाकृति कोई नहीं है। हम सब लोग अपने अपने इंटरप्रिटेशंस के लिए स्वतंत्र हैं। इस पेंटिंग के साथ भी मैं भी किसी सीमा तक ही इसकी व्याख्या कर सकता हूँ, तो उसके बाद आगे मैं भी ये मानता हूँ कि मैं भी क्या कर सकता हूँ, वो एक तरह की मेरी भी या किसी भी दर्शक की एक लाचारी नहीं है, उसका आनंद है। आनंद इस अर्थ में है कि अगर वह एक बार देखने पर वो काम मेरे लिए समाप्त हो जाए तो फिर क्या आनंद है। लेकिन अगर मैंने इस पेंटिंग को कभी किसी रूप में बनते हुए देखा, 79 में आप देखे तो कितने बरस बीत चुके हैं, और जो अभी धूमल गैलरी में जो प्रदर्शनी की थी रविंद्र भवन में, उसने फिर से देखा, बीच बीच में देखता रहा इसको कहीं रिप्रोडक्शन वगैरह में, तो वैसा ही विस्मय, वैसा ही आनंद हुआ। फिर उसमें मैं कुछ भी नहीं देखने लगा जो पहले शायद नहीं पहचानी थी। तो ये जो चमत्कार है, ये जो इस और जो हम मैं मानता हूँ कि इतने वर्षों से कला देख रहा हूँ देश में विदेश में, देश में ही बहुत ज़्यादा, और बहुत कलाकारों के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताया है, उसमें इस बात को खास तौर पर पहचानता रहा हूँ कि ऐसा होता है, लगातार ऐसा होता है कि हम किसी आकर्षण सम्मोहन में बंधे हुए उस चित्र की ओर बार बार लौटते हैं। उसमें फिगरेटिव को भी शामिल करता हूँ, क्योंकि वहां पर भी ऐसा तो है नहीं कि मैंने पहाड़ी तीन युवतियां देखी है उत्तर शेरगिल की और मैंने मान लिया कि छुट्टी हुई, उसको भी मैं 300 बार देख सकता हूँ। बहरहाल मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ क्योंकि मुझे कुछ पढ़कर सुनाना है, पर बैठूं उसके पहले एक बात और कहना चाहता हूँ, वो इस कृति से भी संबंधित है और मेरे अपने अनुभवों से और कला जगत में जो जीवन बिताया या बिता रहा हूँ उससे जुड़ी है, और वो फिर बहुत बड़ा विस्मय है मेरे लिए। देखिए मैं पहले पेंटिंग लगी है वहां पर भी और यहाँ भी, मैं इसमें प्रवेश नहीं कर सकता, मैं इसको छू भी नहीं सकता, मुझे इसको छूने की मनाही है। बल्कि अक्सर तो ये भी होता है कि आपको कुछ चीज़ों को अब एक खास तरह की लाइट में ही देखना होता है, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि हमने अपनी कलाकृतियों को कितना बिगाड़ा है। तो उसका इस बात को मैं क्यों याद कर रहा हूँ कि एक ऐसी चीज जिसको मैं छू नहीं सकता, जिसमें मैं प्रवेश नहीं कर सकता, सच्चाई तो यह है कि जिसके बहुत निकट मैं नहीं जा सकता, अगर चला गया तो देख नहीं पाऊंगा, मतलब उसको मुझे कई कोणों से देखना है, जैसे कि इस पेंटिंग को भी, और मेरी भी छाया न पड़े इसका ध्यान रखना, और कोई रिफ्लेक्शन ना हो, तभी तो मैं उसका आनंद ले पाऊंगा, तभी मुझे नीचे वाली पट्टी दिखाई पड़ेगी, फिर ये हल्के से टेक्सचर्स दिखाई पड़ेंगे, कुछ लाइंस दिखाई पड़ेंगे, ये मूवमेंट दिखाई पड़ेगा, फिर मैं इधर जाऊंगा, फिर मैं इधर से भी धूप का टुकड़ा मैं अपने एक बात कहने के लिए कह रहा हूँ, वैसे तो इसका कोई भी अर्थ आप लगा सकते हैं, लेकिन धूप का टुकड़ा कहने के पीछे भी कुछ तो है, और वो ये है जिस बात को हम लोग बार बार कहते रहे हैं कि स्वामी ने खुले भारतीय आकाश के रंगों को बहुत अच्छी तरह पहचाना, और हमारे ही रंगों से जो पहले भी परंपरागत रूप से हमारे यहाँ व्यवहार में रहे हैं, जो रंग मतलब जैन बोधि चित्रों से लेकर मिनीचर्स तक में अलग अलग शैलियों में, और उनको और हमारे अनुष्ठानों में, क्योंकि अनुष्ठानों से मैं स्वामी के काम का बहुत गहरा संबंध मानता हूँ। आप देखेंगे तो अक्सर कुछ हल्दिया लाल सिंदूरी ऐसे रंग उनके यहाँ प्रकट होते हैं, उनका केवल वही अर्थ नहीं है,
स्वामी कोई अनुष्ठान नहीं बना रहे कर रहे हैं, अनुष्ठान उनका वो चित्र ही है जो बना रहे हैं। जैसे ये चित्र उनका एक अनुष्ठान, जब भी वो काम करते थे एक अनुष्ठान की तरह ही करते थे। पर हम सब जानते हैं कि हमारी स्मृति में, हमारे परिवेश में, हमारे सोच में कितनी चीजें चली आती हैं। और स्वामी के साथ तो ये भी है कि बहुत लोग लगता है कि वहां भारत में जाकर उन्होंने ये ऐसा क्या किया कि केवल लोग आदिवासी कला की इतनी बात करने लगे। ऐसा नहीं था, शुरू से अगर उनका ध्यान उस ओर ना होता तो, और हम जानते हैं कि था, उनकी नजर उस समय जब भारतीय समकालीन कला में बहुतेरे चित्रकारों की नजर बिल्कुल नहीं थी उस उन चीजों की, और उनकी थी जो उनके काम पे प्रकट हुई और सोच में प्रकट हुई। स्वामी एक बात और कहते थे, अभी उनका लिखा हुआ आपको थोड़ा पढ़कर सुनाऊंगा। उनका उसमें गहरा विश्वास था, और अंबादास जी यहाँ बैठे हुए हैं और कॉन्ट्रा में अंबादास जी पर भी जो उन्होंने एक पीस लिखा था उसमें भी इसकी बात की थी, और बार बार ये बात कही। जो ग्रुप 1890 का मैनिफेस्टो बना उससे भी कुछ हिस्सा आपको सुनाऊंगा, उसमें भी उन्होंने बार बार ये बात कही कि उनका विश्वास था इमेज की रियलिटी पर। वो ये मानते थे कि मैं कुछ बना कुछ किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रही मेरी कलाकृति, उस तरह उसको मत देखिए। वो इमेज अपने आप में रियल है कि नहीं, वो आपको रियल लग रही है कि नहीं पिक्टोरियली और वैसे भी, अगर आप उस तरह देखोगे तो फिर आप अपने अपने अर्थ निकाल सकोगे। और आप देखिए तो ये अचानक नहीं है कि ग्रुप 1890 के अंबादास जी हों, जयराम पटेल हों, स्वामीनाथन हों, बाकी कलाकार हों, ये तीन लोग खासतौर पर जो अंत तक इमेज की रियलिटी पर ही भरोसा करते हैं। एक बात और, स्वामी ने ऐसा नहीं कि शुरू में रंग सामग्री कई तरह से न बरती हो, उनके 60s के कुछ ऐसे चित्र हैं जिसमें वो मोम है, रेत भी है, जो फिर बाद में उनके यहाँ लौटी थी, लेकिन ज्यादातर उन्होंने कैनवस पर ऑयल कलर से काम किया बहुत लंबे समय तक, जल रंगों में भी काम किया। और शुरू में जिस उन्होंने जिसकी बात की थी, जिस प्रदर्शनी की मुझे याद है 63 की, कलर ज्योमेट्री इन स्पेस की, जब कुछ थोड़े से तांत्रिक तरह के आकार उनके यहाँ प्रकट हुए थे, आशय भी कह सकते हैं थोड़ा बहुत, इसको उन्होंने स्वयं भी जोड़ा था और अपने काम से भी कहा उन्होंने कि हाँ थोड़ा संबंध हो सकता है, कुछ इंटरव्यूज उन्होंने बात कही, लेकिन मुख्यतः उनका उनकी जो खोज थी जो इस पेंटिंग में एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि एक बड़ी अच्छी परिणति तक पहुंची, कि वो कलर ज्योमेट्री इन स्पेस, हालांकि उसको छोड़ चुके थे कहे, उस तरह के जो उनके काम थे 60s अर्ली 60s के वो और तरह के काम है, पर उनका वो सोच ऐसा मुझे लगता है बराबर उनके साथ रहा, कि एक साथ वो दो चीजों को साध रहे थे, ये साधना चाहते थे कि कलर की बात हो, स्पेस की बात हो, और इसको मैं कैसे किसी तरह के ज्यामितिक उसमें उसको थोड़ा सा टेंजिबल बना सकता हूँ, थोड़ा सा उसको मैं इस तरह से दूसरे के लिए भी एक ऐसा कुछ एक संसार रच दे सकता हूँ कि वो उसमें कई चीजें अपनी तई अपनी तरह से देख सके। अब मैं कुछ स्वामी का थोड़ा सा लिखा हुआ पढ़कर सुनाता हूँ। एक सेकेंड लगे, एक तो मुझे शुरू में ही बताना चाहिए था, बता देता हूँ, क्योंकि अभी कागज पर नजर गई तो याद आई कि ये 1979 की पेंटिंग है, तो बता ही चुका हूँ। इसकी साइज है 31 inches x 45 inches और बाहर ओरिजिनल लगी ही हुई है, आप देख सकते हैं। उनका लिखा हुआ जो मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ आपको, पहले देख कविता जो इस पेंटिंग से जुड़ती है, एक अलग अर्थ में ये किताब भी छोटी सी पुस्तिका धुबीबल गैलरी ने 1980 में छापी थी, रवि जी ने, रवि जैन ने, और
ये उन्होंने सर्वेश्वर जी की 21वीं जन्मतिथि पर समर्पित की थी स्वामी ने, ये जो कविता संग्रह था इसके लिए मैंने एक छोटा सा नोट लिखा था जो पढ़ने का। अब इसकी प्रतियां उपलब्ध नहीं हुआ जानते हैं, इसकी कॉपीज बची नहीं है, 100 कॉपीज तैयार हुई थी वो लगभग कलेक्टर्स कॉपी है और उसको मंजीत बाबा ने सिल्क स्क्रीन के कवर पर छापा था, अंदर की छपाई साधारण थी। बहरहाल ये कविता पढ़ता हूँ स्वामी की। दूसरा पहाड़। आप लोगों में से बहुतों को शायद जानकारी होगी कि स्वामी ने शिमला से आगे कोट खाई में एक सेबों का छोटा सा बगीचा खरीदा और एक घर खरीदा था। एक मास्टर जी थे गांव के उनके, और कुछ और उनके पुलिस अधिकारी बेहतर थे उनके साथ मिल करके, मतलब और मास्टर जी उनके पड़ोसी थे, तो मास्टर जी जो वहाँ के थे उनको लेकर भी कई कविताएं संबोधन है। लेकिन ये कविता जो है ये तो वहीं से लौटकर उन्होंने हम लोगों को सुनाई थी एक बार कोट खाई से। ये कविता है दूसरा पहाड़। यह जो सामने पहाड़ है इसके पीछे एक और पहाड़ है जो दिखाई नहीं देता। धार धार चढ़ जाओ इसके ऊपर राणा के कोट तक और वहां से पार झांको तो भी नहीं। कभी कभी जैसे यह पहाड़ धुंध में दबक जाता है और फिर चुपके से अपनी जगह लौटकर ऐसे धीर हो जाता है मानो कहीं गया ही न हो। देखो ना वैसे ही आकाश को थामे खड़े हैं दयार, वैसे ही चमक रही है घराट की छत, वैसे ही बिछी हैं मक्की की पीली चादरें और डिंगली में पूंछ हिलाते डंगर। चूंकि क्यों बने हैं ठूठ सा बैठा है चरवाहा, आप कहते हो वह पहाड़ भी वैसे ही धुंध में लुका है उभर आएगा। अजी जरा आकाश को तो देखो कितना निम्मल है, न कहीं धुंध न कोहरा न जंगल के ऊपर अटकी कोई बादल की फूही, वह पहाड़ दिखाई नहीं देता महाराज। ये मास्टर जी कह रहे हैं उस पहाड़ में गुजरों का एक पड़ाव है वह भी दिखाई नहीं देता। न गुजर न काली पोशाक तनी कमर वाली उनकी औरतें, न उनके मवेशी न झबरे कुत्ते, रात में जिनकी आंखें अंगारों सा दबकती हैं। इस पहाड़ के पीछे जो वादी है महाराज वह वादी नहीं उस पहाड़ की चुप्पी है जो बघेरे की तरह घात लगाए बैठा है। इस पेंटिंग में उस तरह के पहाड़ नहीं है जैसे स्वामी ने बनाए थे, लेकिन आप देखो तो ये बात भी हम लोगों ने स्वामी के साथ रहते हुए देखी जानी और इस चित्रकृति के संदर्भ में भी याद आती है कि एक और उनका जिसको आप रोजमर्रा जीवन कहोगे जो बातें हैं आम फहम जिसको मंडेन कहते हैं उसमें भी उनकी बड़ी गहरी दिलचस्पी थी। जिसमें दिखाई पड़ रही कि मास्टर जी कह रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे ढोर डंगरों की बातें भी हैं पहाड़ की और छत की भी और धूप की भी और धुंध की भी, पर जब स्वामी पेंट कर रहे हैं तो इन बातों का कुछ हिस्सा वहां आता है। पर उनके लिए ऐसा मानते भी और ठीक ही मानते हैं कि एक तरफ वो क्रिएटिव एक्ट था और एक तरफ बड़ा सरल एक्ट था, बौद्धिक की जो जिज्ञासा और क्षमता और सामर्थ्य और पेंटर की मिल करके, और ये जो मंडेन चीजें हैं जिनको मैंने पहले अनुष्ठान से जोड़ा, फिर अभी आपको एक कविता सुनाई, फिर उसमें उनका जो जीवन था जैसे जीवन उन्होंने जिया उसमें रोज रोज हम लोग देखते थे। अरे इतनी ऐसी चीजों में स्वामी दिलचस्पी ले रहे हैं जिसमें साधारणता लोग नहीं लेते। और दूसरा था कि उनकी चीज एक और याद करता हूँ जो इस पेंटिंग की गति के संदर्भ में या उनके बाकी पेंटिंग के संदर्भ में याद आती है, स्वामी बहुत धीरे धीरे चलते और अक्सर जहां बैठ जाते थे वहां बैठ जाते थे, पर ये भी था कि जब काम में लगते थे तो बहुत काम करते थे। तो उनके ये इस बात को इसलिए याद कर रहा हूँ कि वो एक ऐसा जीवन ऐसा स्वभाव और ऐसे व्यक्ति के मेल से कला पैदा हुई है जिसमें हमको ये सारे एलिमेंट्स भी थोड़े थोड़े दिखते हैं। मैं जानता हूँ इसलिए मुझे दिखते हैं, थोड़ा ज्यादा आप कह सकते हो
ये अशोक जी जानते रहे या हमारे बाकी मित्र जानते रहे हैं, उनको ज्यादा दिखते होंगे, पर मेरा ये मानना है कि वो सबको दिख सकते हैं। बहरहाल, लेकिन जो जिसको कहा जाता है कि आप अंत में, तो कोई भी दर्शक जो नहीं जानता उनका जीवन, उसका संबंध तो चित्र से ही वो मानेगा। उसके लिए और जब तक उनकी जीवनी न पढ़े और उनके बारे में न जाने, और उसकी जरूरत कभी है भी नहीं भी है, क्योंकि चित्र का मतलब यही है कि एक बनी हुई चीज हमारे सामने और उसको हम देख रहे हैं। तो मैं फिर उसी विस्मय की ओर लौटता हूँ कि ये क्या चीज है कि इसको देख कर मुझे विस्मय होता है इस पेंटिंग में, क्योंकि कुछ चीज मैं पहचान रहा हूँ कि चिड़िया है, और आप देखिए तो ये भी लग रहा है कि वो चिड़िया, ये भी हो सकता है कि वो तीन चिड़िया है या वो एक ही चिड़िया है, और अलग अलग तरह के रंगों में वो ढल गई है या ढाली गई है, और उसका भी एक कोई त्रिकोण सा बनता है, तीन चिड़िया है। और जो 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 जमीन वाला रंग है वो जैसे वो सारी इमेज को एक अलग तरह से होल्ड किए हुए है, और वो जो ब्राक का जो कहना था एक जमाने में, जब उन्होंने खोज शुरू की और ब्राक क्यूबिस्ट जमाने में, और ब्राक को ये लगा कि स्पेस और उसमें ऑब्जेक्ट जो मैं रख रहा हूँ ये तो कहीं मर्ज हो जा रहा है, उसको अलग करना चाहिए। स्वामी की कोशिश बिल्कुल दूसरी है, उसको मैं बड़ी कोशिश मानता हूँ कि चीजों की एक निरंतरता है, वहां वो पिक्टोरियल स्पेस और वो इमेजेस अलग नहीं रहते, उनको आप कहीं से कहीं देख सकते हो। और ये भी देखिए तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि मिनिएचर्स में नहीं रहा या हमारी परंपरा में नहीं रहा, लेकिन स्वामी ने एक काम और किया, उस काम को मैं बड़ा काम मानता हूँ। आप देखिए तो रेनेसा, पश्चिम के रेनेसा के इतिहास में, जब वैन गॉग, उससे पहले सेजा ने ऊपर वाली लाइन खोली, हॉराइजन वाली, और पर्सपेक्टिव को छोड़ दिया, पर्सपेक्टिव को छोड़ करके दूसरी तरफ पढ़े, तो उनको लगा कि हम कोई बड़ा चमत्कार, और वहां के घटित बहुत चमत्कार उनकी कला में। पर हमारे यहाँ उसकी परंपरा भी थी, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि स्वामी ने उस बात को बहुत अच्छी तरह समझा कि पर्सपेक्टिव पे तो वैसे भी वो उसकी कभी बहुत बात नहीं करते थे। आप इसमें भी देख रहे हो कि वैसा पर्सपेक्टिव नहीं है जो पश्चिमी कला में जिस पर्सपेक्टिव की बात की जाती है, वो उनके किसी काम में नहीं है, और टू डायमेंशनल सरफेस पर ही सारी इमेजेस है, और उनकी एक कंटिन्यूटी है कलर्स की और इमेजेस की। स्वामी के रंग लगाने का भी जो तरीका था वो बहुत अलग था, और मेरा ये मानना है कि उसका एक आगे थोड़ी दूर तक तो चली वो चीज, इसको मंजीत ने उठाया कि मिनिएचर्स को, क्योंकि हमारी जो परंपरा थी उसके विवरणों को छोड़कर रंगों की तरफ जाएं और उनको इतना समतल करें, उनको ऐसा चमका दें, उनको अपने आप में एक ऐसा ऐसा शरीर दे दें, ऐसा अस्तित्व दे दें कि एक जादू सजेगी। फिर उसमें हम जो इमेजेस रखें, वो चाहे चिड़िया की हो, चाहे पहाड़ की हो, चाहे वो जैसा मंजीत ने बाद में किया कि वो पशु पक्षियों की हो, वो उनकी एक अलग तरह की प्रेजेंस बने, और उसकी कोई कथा न रहे, पर जो चाहे तो अपनी एक कथा भी बुन सके। जैसे इस पेंटिंग को लेकर आप अपनी एक कथा बुन सकते हो, जो भी आप जैसे देख रहे हो, जैसे मैं देख रहा हूँ कि दो शिलाखंड है, वो शायद एक दूसरे का पीछा कर रहा है, या शायद कोई बड़ा अंधड़ सा है और चल पड़ा है, और चिड़िया भी उड़ रही है, और फिर वो पलटा खाती है और स्थिर हो जाती है, और फिर नीचे एक दूसरा क्षेत्र है, लेकिन कंटिन्यूटी में अलग नहीं, और ना उसमें वो मर्ज हो रहा है, उसी कंटिन्यूटी में लगभग उस तरह की चीज। जैसे आप देखो तो जीवन में हम ऐसा तो है नहीं, जैसे चीजें अलग अलग हमको नजर आती है वो एक अलग बात है कि ये अमुक व्यक्ति है, ये अमुक कुर्सी, ये कुर्सी है, ये मेज है, ये इमारत है, पर वो देख तो हम सब एक तरह की कंटिन्यूटी में रहे। जब तक कि कोई दीवार ही आपके बीच में ना आ जाए, जब आप चलते हो तो आप तो चीजों को ऐसे ही देखते हो। तो ये जो स्वामी ने किया अपने काम में और इस पेंटिंग में खासतौर पर, क्योंकि तो ये जो मैं बात कह रहा था आपसे कि इस पेंटिंग में स्वामी का जो ये डेंस डार्क है, ये आपको किसी और पेंटिंग में इस तरह से तो नहीं मिलेगा। तो उस
कि उसका एक वंडर, एक विस्मय और एक आप ये कह सकते हो कि कुछ मिस्ट्री, क्योंकि उसी के कारण ही तो जो बात मैं कह रहा था कि आपको उसका आनंद आता है कि आप जब उस मिस्ट्री को, उस वंडर के सामने होते हो तो आप ज्यादा अच्छी तरह पहचानते हो। बहरहाल स्वामी का कुछ एक जो मैनिफेस्टो था 1590 का, उस लंबा है थोड़ा, मैं दो तीन पंक्तियां पढ़ूंगा इस मैनिफेस्टो में। और जाहिर है कि मैनिफेस्टो हम ये जानते हैं कि सबके साथ मिलकर बैठ करके बनाया गया था, पर इसमें स्वामी का काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था उसकी राइटिंग में, उसको लिखने में। ए वर्क ऑफ आर्ट इज नाइदर रिप्रेजेंटेशनल नॉर एब्स्ट्रैक्ट, फिगरेटिव और नॉन फिगरेटिव। इट इज यूनिक एंड सफिशियंट अनटू इटसेल्फ, पल्पेबल इन द रियलिटी एंड जेनरेटिंग इट्स ओन लाइफ। तो जो जनरेटिंग इट्स ओन लाइफ आप देखो तो उनके हर काम में, और उस काम में तो बहुत ज्यादा उसमें एक ऊर्जा है, उसको लग रहा है सब कुछ ऐसे घटित हो रहा है, अब उसको आप जिस तरह से चाहो देखो। फिर दूसरी बात इसी मैनिफेस्टो में, और उन्होंने मतलब उनके साथियों ने कही, मिलकर कही, फॉर अस देयर इज नो एंटिसिपेशन इन द क्रिएटिव एक्ट, इट इज एन एक्ट थ्रू विच द पर्सनैलिटी ऑफ द आर्टिस्ट इवॉल्व्स इटसेल्फ इन इट्स इंसेसेंट बिकमिंग, मूविंग टुवर्ड्स इट्स ओन अराइवल। और दूसरी एक बात और जो बहुत सारे विचारकों ने कही, जो इस समय याद आती है खासतौर पर, कई लोगों ने कहा, कई विचारकों का मानना है कि कला कभी कुछ कहती नहीं है, कहती हुई लगती है, और इसको सीमा माना गया है कला की, और वो एक हद तक सच है, उसमें मेरा विश्वास है कि कला कम से कम पूरी बात तो कभी नहीं कहती, लेकिन कभी कुछ नहीं कहती ऐसा मैं नहीं मानता। कहती हुई लगती है ये सही है, कहती हुई दिखती है, कहती हुई लगती है, पर वो कहती भी है। अब वो जो कहती है उसको हम कैसे सुनते हैं, देखने के अर्थ में कर देखते हैं ये सुनते हैं, उस पर ही सब कुछ निर्भर करता है। एक और चीज जिसके लिए मैंने आपसे कहा था कि आपको दिखाऊंगा, थोड़ी लाइट कर दीजिए, कभी पूरा तो नहीं दिखेगा, पर ये 1967 का स्वामी का एक लिथो प्रिंट है जो कॉन्ट्रा पत्रिका, ये जो कॉन्ट्रा पत्रिका है 66 की, इसके साथ जारी हुआ था। तो अब आप देखो तो थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं पूरा तो वहां से नहीं दिख रहा होगा, इधर भी एक बड़ा कुछ एक सूर्याकार जैसा है, फिर एक त्रिभुज है, इधर भी एक नॉट एग्जैक्टली टेम्पल लेकिन ऐसा एक फॉर्म है जो फिर ज्योमेट्रिक है, और नीचे ऐसी ही पट्टी जो अभी आप देख रहे हो। तो पट्टी का इस्तेमाल भी स्वामी ने कई तरह से किया, कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने वो मिनिएचर का जो हाशिया था वहां से लिया, वहां से भी लिया होगा, पर उन्होंने चौड़ी रंग पट्टियों का इस्तेमाल किया। अब उसको आप ये भी कह सकते हो कि हर पेंटर की अपनी अपनी एक कोई पिक्टोरियल डिवाइस होती है, वो किया कि वो उसी तरह सोचता है, रंगों को उसी तरह देखता और रखता है, पर ये स्वामी भी बहुत है। इस पेंटिंग में भी जिसके लिए मैंने इशारा किया था, अब लाइट बंद कर दीजिए, कॉन्ट्रा में खैर इस तरह का ये प्रसंग बता रहे हैं कि ऐसे लिथोग्राफ जारी हुआ करते थे हर इशू के साथ। स्वामी एक जिसे राजेश मेहरा का है, एक हिम्मत का है, तेरे पास चार ही अंक हैं, और लेकिन शायद इतने ही निकले भी थे, तो एक और होंगे पर मेरे पास इतने ही हैं। और एक और सुनाता हूँ आपको, जो रियलिटी वाली बात जो स्वामी जी कही थी, ये तो उन्होंने अपने एक कॉन्ट्रा के लेख में कही, ये कॉन्ट्रा 66 के जे स्वामीनाथन का लिखा हुआ रियलिटी ऑफ द इमेज, उसका टाइटल यही है। स्वामी ने लिखा, द सिग्निफिकेंस ऑफ ए वर्क ऑफ आर्ट लाइज नॉट सो मच इन द इमेज ऑफ रियलिटी दैट इज दैट इट मे क्लेम टू प्रेजेंट एज इन द रियलिटी
comprehension, it is constantly changing and can therefore hardly be a reliable norm for judging the validity of a work of art. It is in this sense that all theoretical attempts to interpret trends in art in terms of scientific advance are futile and vitiated. अभी उनका अपने विश्वास थे जैसे कि हर कलाकार के होते हैं वंदे एग्री और मे नॉट एग्री विद दिस पर स्वामी का ये आग्रह था और जबरदस्त आग्रह था और ये इस आग्रह की मैं बहुत ज्यादा कद्र इसलिए करता हूँ कि सचमुच में स्वामी ने आप देखो तो कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट की हिस्ट्री में भी सबके सब बड़े बड़े नाम हैं सबका अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है पर स्वामी के आने के बाद से ही हम पिक्टोरियल स्पेस को एक अलग तरह से देखते हैं अब उसके पहले बंगाल स्कूल की याद करो यहाँ तक कि जयंता की याद करो अजंता बहुत बड़ा है अपने एक पूरे बहुत बड़े वृत्त में पर ये काम और एक तरह से अभी भी देखे तो बार बार वही कहते थे और बहुत सारे उदाहरण में भी नहीं जाऊंगा यहाँ है कि स्वामी के लिखे हुए कि आप वो हिस्ट्री को उस अर्थ में नहीं देखते थे टाइम को उस अर्थ में नहीं देखते थे और कहते थे कि जो भी आप हिस्ट्री के उसमें पढ़े और आपने हिस्ट्री के हिसाब से पास्ट को देखना शुरू किया तो आप जैसे बहुत सारी चीजों से अलग हो गए तो ये कंटिन्यूम है चेतना का और मनुष्य के अनुभव जगत का उस पर उनका गहरा भरोसा था और उसकी बात वो तरह तरह से करते थे एक उनका एक और आपको सुनाऊंगा थोड़ा सा एक पीस है वो जो उन्होंने परसीविंग फिंगर्स में लिखा जो भारत भवन जाकर उन्होंने जो लोक आदिवासी कला का एक अलग संग्रहालय बनाया उसके साथ साथ समकालीन कला के अर्बन आर्ट के उसमें तो उसमें उन्होंने एक लंबा टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन आर्ट के को समझने देखने और स्वयं स्वामी की क्या दृष्टि थी चीजों को देखने दिखाने की खाली ट्राइबल फोक आर्ट को नहीं बल्कि कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट को भी उन्होंने पहले हर्बर्ट रीड को कोट किया है एक लेख से वो मैं पढ़कर सुनाऊंगा फिर स्वामी की उस पर जो टिप्पणी है वो सुनाऊंगा आर्ट सेज रीड विदर डन फॉर ए मैजिकल पर्पस और मेरली फॉर डेकोरेशन The art is spontaneous, the act is spontaneous, and the articulation of line and color completely instinctive. From this fact, we must conclude that the aesthetic faculty is innate in man. It is as natural to man as speech or any other expression of cognitive activity. I have slipped ये तो ये कोट है रीड से है अभी स्वामी को नहीं आया ये रीड कह रहे हैं I have slipped in the word cognitive and this may surprise you but that is the essential point at any rate in my philosophy of art फिर स्वामी की कुछ italics है वो तो इसमें मैं नहीं बता पाऊंगा अभी for what man is doing in this instinctive act of iconography of image creation is to express his knowledge of reality, of an aspect of reality at that moment apprehended by his vision or intellect. The whole purpose of art as a human activity is cognitive in this sense. अभी कोर्ट खत्म होता है रीड का, फिर स्वामी की टिप्पणी इस पर Only it is cognitive as communion with reality. Which as knowledge has to be limited, it has ke baad hai. But it is reality, which expresses itself through the creative act of the artist as aspect of itself, thus dissolving knowledge in the sense of wonder. This is what Swami really believed. Thus dissolving knowledge in the sense of wonder, bringing the viewer in communion with the unknowable. इस पेंटिंग के ऊपर भी ये बात कितनी ज्यादा लागू होती है कि दस डिसॉल्विंग नॉलेज इन द सेंस ऑफ वंडर ब्रिंगिंग द व्यूअर इन कम्युनियन विद द अनोएबल
और स्वामी एक बात और कहते थे जिसकी मैं इस पेंटिंग के संदर्भ में याद करता हूँ. मैंने उनका एक लंबा इंटरव्यू किया था करीब 16 बैठकों में. वो अशोक जी ने ही संपादित की थी वो किताब कला विनोद और ग्रह में छपा था. स्वामी से मैंने नेचर को लेकर कुछ सवाल किए थे, प्रकृति के बारे में आप क्या सोचते हैं. उनका कहा हुआ एक वाक्य इसमें पास लिखा हुआ तो नहीं है पर उसका आशय याद है, शब्द भी शायद यही थे कि प्रकृति अपने को कला के आईने में कभी नहीं देख सकती. उनका ये वाक्य मैं कभी नहीं बोला. इसका इसके अर्थ आप देखें तो क्या हुए कि नेचर को भी आप कला जो है कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, उसको करना भी नहीं चाहिए शायद, उसको ये भी नीत है. दूसरा ये कोई कर नहीं सकती क्योंकि जो ही उस कला के आईने में उसने अपना चेहरा देखना शुरू किया तो दिखाई नहीं पड़ेगा, कुछ और दिखाई पड़ेगा वहाँ. और दूसरा इसका एक ये आशय कि आप उसकी नकल उस अर्थ में कर ही नहीं सकते, करनी भी नहीं चाहिए. तो आप देखिए तो ये जो एलिमेंट्स हैं स्वामी की पेंटिंग में, इस पेंटिंग में भी वो सारे के सारे नेचर की याद आपको दिलाते हैं. पर नेचर की किसी का कोई रिप्रेजेंटेशन यहाँ है या जैसे की चीजों को हम नेचर में देखते हैं कुछ वैसी चीज यहाँ वैसा बिल्कुल नहीं है. तो हम सब देख पा रहे हैं मतलब चिड़िया है मतलब प्रकृति की चीज है. आप कह सकते हो कि इसमें अगर ये मान लें थोड़ी देर के लिए कि बहुत जैसे कि कई बार आकाश होता है सुबह शाम का बहुत रंग आभा वाला आकाश है, अरुणाभ आकाश है या धूप है या ये जो एक थोड़ा सा एक जो एक आर्किटेक्चरल यूनिट सी है और ये भी इसको अगर आप छोड़ दें तो बाकी सारी चीजें प्रकृति की आपको लगती हैं कि ये शिलाखंड हो सकता है, ये कोई बगुला हो सकता है या ऊपर का एक हिस्सा जो है वो और जो पट्टियां हैं वो भी रंगों में वो सब कहीं ना कहीं आपको नेचर की याद दिलाएंगे पर नेचर उस अर्थ में नहीं जैसे हम देखते आए. तो मेरा स्वामी की पेंटिंग से जो लगाव बना और जो एक सहज आकर्षण वो ये भी था जो इस पेंटिंग के साथ ही है कि मैं प्रकृति को भी एक अलग तरह से देखने लगा और उसको मैं अपने जीवन की स्वामी द्वारा घटित की गई एक घटना मानता हूँ. अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक टिप्पणी लिखी थी, मैं देहरादून गया था वहाँ सुबह एक जहाँ ठहरे थे जिस गेस्ट हाउस में उसमें चिड़ियों की आवाज से मेरी नींद खुली. तो पता नहीं कैसे स्वामी की ये पेंटिंग या ऐसी ही पेंटिंग से याद आई और मैं बाहर टहलने निकला. तो मैंने ये पहली बार मान लीजिए कि पहचाना इन रियल नेचर में भी, लेकिन वो मैं स्वामी की इन पेंटिंग से कारण पहचान सका कि चिड़िया जो है वो किसी संधान में निकलती है, उसकी भी कोई खोज है, वो कोई पते ठिकाने वाली खोज नहीं है लेकिन वो नेचर का ही एक एलिमेंट होकर नेचर में ही कुछ ढूंढ रही है और सुबह हुई है और जाग गई है. उस खोज में उसका दाना ढूंढना भी शामिल है, उसका यहाँ वहां बैठना भी शामिल है, उसकी उन्मुक्तता भी शामिल है. और हम सब जानते हैं कि जो ही आपने चिड़िया को पिंजरे में कैद किया उसकी हालत क्या हो जाती है, वो मुक्त आकाश में उड़ती है. तो वो अब स्वामी थोड़ा प्रतीकों के खिलाफ थे इसलिए सिंबल्स की बात तो नहीं करूंगा लेकिन कई लोगों ने की है कि वो कहीं ना कहीं एक तरह की जैसे बर्ड एज स्पिरिट. स्वामी ने तो नहीं की लेकिन स्वामी को जो पेंटर बहुत पसंद थे और जिनको उन्होंने जो ट्रेनार स्वामी ने आयोजित किया था, कृष्णनाथ स्वामी जी ने मिलकर शोक जी भी थे सेमिनार हुआ था हम लोग भी थे उसमें उन्होंने मॉरिस ग्रेव्स को बुलाया था. मॉरिस ग्रेव्स पता नहीं कलकत्ता चले गए और फिर वहां शायद लौटे नहीं पर स्वामी को मॉरिस ग्रेव्स की चर्चा में स्वामी से अक्सर सुनता था. उन्हीं के कारण फिर मॉरिस ग्रेव्स जो अमेरिकन पेंटर थे और मार्क रुबियो वगैरह के साथ थे उनके बारे में मेरी बहुत दिलचस्पी बढ़ी और मैंने पढ़ना शुरू किया. तो उनको तो एक जो मॉरिस ग्रेव्स पर एक टिप्पणी है ये मॉडर्न अमेरिकन पेंटिंग नाम की किताब है टाइम लाइफ सीरीज की 1970 की. उसमें ये जो ग्रुप था पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट पेंटर्स का सिएटल में और जिसके मेंबर थे मॉरिस ग्रेव्स, तो मॉरिस ग्रेव्स
पर उसने टिप्पणी है जो रेलिवेंट है स्वामी के काम के सिलसिले में, और वो सुनाता हूँ आपको। Morris Graves became similarly preoccupied with symbols and mystical perceptions, but he expressed himself in more concrete images. He is buried in the spirit of his title. Is one of a series of paintings in which he used birds as private emblems. Tantalizing and mysterious, Graves' birds mean various things to various observers. Graves himself identified his aim in art only as making notations about the external world with wish to verify the inner eye. Swami ke case mein bhi ye tippani mujhe bahut apt lagti hai, aur isko main samajh pata hu ki kaam mein bahut fark hai. Koi dusre ke kaam ko jaisa ki ek painter dusre painter ko admire karta hai, usme kuch चीजें सब कॉमन होती है, इसलिए वह एडमायर करता है सोच में या इमेजेस में, या कि उसने कैसे वो चीज को सॉल्व किया और मैं कैसे कर रहा हूँ, उस नाते भी उस है एक तरह का ट्रेड है, दोनों के बीच में कोई एक मैत्री का संबंध है, इसलिए मैंने इस आपको पढ़कर सुनाया। अब इस पेंटिंग पर लौट कर कितना समय हो गया, मैं तो अब समाप्त करूंगा, क्योंकि जैसे मैंने लिखी याद दिलाई के बीच के सवाल जवाब भी होंगे और कुछ ऐसा भी हुआ ही होगा मेरे बोलने में, बार बार हुआ होगा कि लगा होगा कि मैं इस पेंटिंग से हट रहा हूँ, पर से मुझे तो हट नहीं रहा था, क्योंकि जो बात मैंने शुरू में कही थी जो अशोक जी के कहने से कि झुंड में हम देखते हैं और फिर एक व्यक्ति को देखते हैं, तो ये सारी बातें पिछले, और इसके लिए मैं गोपाल का वास्तव में आभारी हूँ इस लेक्चर सीरीज का, कि कुछ स्वामी ये पेंटिंग से जुड़ी हुई चीजें, पुरानी चीजें, ये सब देखते ना निकाला मैंने, कॉन्ट्रा ये मैनिफेस्टो, ये सब कहीं ना कहीं इस पेंटिंग के कारण बाहर है, और ऐसी कोई भी अच्छी कलाकृति ये कर दे सकती है आपके साथ, कि जब आपने उस पर विचार करना शुरू किया, सोचना शुरू किया, तो वो आपको उन सारे सोर्सेज की ओर भी ले जाना चाहती है जहाँ से शायद उसका उसके जन्म का कोई संबंध है, अपने आप में तो मुक्त है। जैसे कि स्वामी की हर सीरीज की पेंटिंग या हर वर्ष की जो या दो तीन बरस में जो प्रदर्शनी वो करते थे उसमें जो काम रखते थे उसमें घटित होती थी कि वो सीरीज है लेकिन सब एक दूसरे को कोई दोहरा नहीं रहे, हर पेंटिंग उसकी एक अपनी इंडिपेंडेंट उसकी अपनी प्रेजेंस है। तो मैं गोपाल का बहुत आभारी हूँ और आप सबका कि आप सब आए और आपने इतने एकाग्र भाव से मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत आभार। और अब जो भी सवाल या टिप्पणियाँ होंगी उनको सुनने को मैं भी उत्सुक हूँ, धन्यवाद। और कुछ बाकी छोड़े हम के हम सबके लिए भी कि हम अपने अपने ढंग से प्रयाग जी ने वर्षा की किया। अब समय है आपकी टिप्पणियों का, भाई टिप्पणियां अच्छी होती है, सटीक होती है, जो संक्षिप्त होती है, और वही प्रश्न भी उत्तर के योग्य होते हैं जो छोटे होते हैं। अब जो बोलना चाहे, इसमें पहला दागने का अगर संकोच होता है, पहला एक बार गोला दाग दिया जाए फिर गोलियां चलने लगती है, पहला कोई दागने की हिम्मत कर ले बाकी या जोखिम उठा ले, जोखिम उठा जी जरूर, मैं सबसे अनपढ़ आदमी नहीं, आपने जो आखिर में जो कहा कि जहां तक मैं समझ सका आपको कि इसमें सिंबलिज्म, डोंट ट्राई टू लुक फॉर सिंबलिज्म, चिड़िया है कि ये फ्री स्पिरिट, जैसे कोई मेरे जैसा आदमी देखे तो फ्री स्पिरिट ऑफ ह्यूमन बीइंग, लेकिन आपने कहा कि ऐसा मत देखिए, ये भी स्वामी का कोई और एफर्ट नहीं था कि उसमें सिंबलिज्म किया जाए,
तो ये कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, आप बिल्कुल देखिए, मैं भी देखता हूँ। मैं तो केवल ये कह रहा था कि स्वामी का इसमें विश्वास नहीं है, क्योंकि उनसे जब बात होती थी तो वो जैसे जिस अर्थ में मॉडल का इसको जो टिप्पणी मैंने पढ़ी ठीक की, तो उस अर्थ में नहीं था। और वो मैनिफेस्टो तो मैंने पढ़ा, आपको सुनाया, उसमें इन लोगों ने ये भी कहा था कि उसमें सब कुछ को निगेट किया। बाद में स्वामी घर उतना निगेट नहीं करते थे कि कोई भी मैनर, कोई भी ट्रेंड, कोई भी कला का कोई भी फैशन, कोई भी स्टाइल, सबसे हम कला को मुक्त करना चाहते हैं। और पर बाद में उन्होंने थोड़ी बातें कही, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मानते थे कि सिम्बोलिज्म के बिल्कुल खिलाफ थे, पर अपने काम के संबंध में वो मानते थे कि ये आप इसको इस तरह मत इंटरप्रेट करें। ये तो उन्होंने बार बार कहा कि अब आपको छूट है, आप जैसे चाहो देखो, ये वो कहते हैं, सभी मानते हैं। लेकिन दूसरे किसी भी कलाकृति के को देखने के कई तरीके हो सकते, जिनमें से एक तरीका ये भी है कि आप जो है उसको जो नहीं है का प्रतीक माने। तो स्वामी जैसे लोग आग्रह करते थे बिंब की सच्चाई पर, दी रियलिटी ऑफ द इमेज एंड नॉट इट्स कन्वर्शन और इंटरप्रिटेशन इनटू समथिंग अदर देन द इमेज। तो एक आग्रह ये था कि फर्स्ट सी द इमेज इन इट्स रियलिटी, इट्स पिक्टोरियल विजुअल रियलिटी, देन यू आर फ्री टू डिराइव व्हाटएवर मीनिंग्स यू मे। व्हाट हैपेंस इज इन आवर डियरिंग हरी टू इंटरप्रेट दैट दिस इज फ्री स्पिरिट टू बोरो योर टर्म, वी माइट नॉट बी लुकिंग एट द बर्ड एट ऑल, बिकॉज द मोमेंट वी हैव फ्रोजन द मीनिंग और द इंटोनेशन ऑफ दैट इमेज इन टू फ्री स्पिरिट, we have started looking really at the free spirit and not at the visual reality of the bird. So I think when artists like Swami are talking, they are saying this, that there is a reality of the image itself. That reality is a visual reality. It's a pictorial reality created by the artist or discovered by the artist, whichever way you look at it. And then, of course, you are free to say, you stop looking at that. You start looking at the narrative. So the emphasis is that yes, narrative may come if you like, but we are liberating it from the clutches of narrative. जी जिससे कहा मैं प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट के फिल्म बना रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि ग्रुप प्रीटी डेंटी की आपको जरूरत क्यों महसूस हुई, क्या बदलाव आ रहा था माहौल में। तो उनका ये कहना था कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप हैड मूव्ड फ्रॉम वेरी ऑब्जेक्टिव टू वेरी सब्जेक्टिव। बाय ऑब्जेक्टिव ही मेंट ट्रेडिशंस लेड डाउन बाय अदर्स, एंड बाय सब्जेक्टिव ही आई कैन अंडरस्टैंड ही मेंट दैट art as a personal way, personalized way of expression, rather than following a tradition. तो group 1890 में हम ये कोशिश कर रहे थे कि अब हम ज्यादा subjective हो गए हैं और कहीं ना कहीं हमें एक दूसरा रास्ता दोबारा तलाश करना पड़ेगा। शायद उससे ही ये जुड़ाव हुआ miniature painting से। और आपने सही फरमाया कि नीचे पेंटिंग के उन्होंने रंग लिए लेकिन उनका नैरेटिव उन्होंने छोड़ दिया। दूसरी बात, अगर आप थोड़ा लंबा हो रहा है आप इजाजत दें तो मैं कहूं, पेंटिंग की एक अपनी तस्वीर के रूप में एक रियलिटी है, लेकिन अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली जो एक आर्टिस्ट इमेजेस चुनता है, एक इमेज कंस्ट्रक्ट करता है, उसमें अनकॉन्शियसली भी ये सही एक सिंबल्स का रोल तो है, बिकॉज सिंबल्स के द्वारा हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। अब ये प्रोसेस कॉन्शियस है भी हो सकता है कि आप डेलिबरेटली मीनिंग्स ला दें,
और ये अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस भी हो सकता है। तो स्वामी के भी ये संदर्भ में सिंबल्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी नहीं कि उसकी पेंटिंग को लिमिट करता है। धन्यवाद। बिल्कुल सही कह रहे विक्रम जी, क्योंकि एक बात मुझे आपके कहने से लगी, आपको मैंने स्वयं कहा था कि अनुष्ठान तक आप देखे तो अनुष्ठानों के रंगों की भी बात मैंने की थी। स्वामी की इतनी कुछ नहीं वैसी है शुरू में, जो उन्होंने तुलसी द्वारा बनाया था, तुलसी वाली जो उनकी बेटी भी थी। जोर से बोलिए, नहीं कहा चलाया आपने बिल्कुल सही कहा, मतलब सही सच में मेरे मन से भी वैसे एक अनगूंज उठी कि ये नहीं है कि आप उसमें कुछ ये तो देखोगे ही नहीं, इंटरप्रेट करने के लिए तो आप कोई भी दर्शक फ्री है, पर स्वामी की एक बड़ी कोशिश थी और उसको हमको मैं उसको इस रूप में समझता हूँ जिसकी आपने याद दिलाई प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप वाले, या पूरी पूरी हमारी जो कला परम्परा रही थी आधुनिक कला परम्परा जैसे वो बनी 19th में, जिसको मान लीजिए हमारी ताप्ती गुहा ठाकुर ने कहा मेकिंग ऑफ इंडियन नेशनल आर्ट या कुछ भी इस तरह का जो अलग अलग हिस्ट्रीज रही है हमारे यहाँ की, उसमें कुछ मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी और किस जो उनसे बात होती थी स्वामी से कि एक बोझ ऐसा लगता था कि ये सब हम बताए चले जा रहे हैं, अच्छे हैं काम, बड़े सुंदर हैं, हम भी सराहते हैं, पर वो एक सारे इतिहास में कला की असल बात असल की खोज खोई जा रही है। इसलिए शायद 1990 अंबादास जी यहाँ बैठे हुए और अंबादास जी पर उन्होंने बड़ा सुंदर एक इसमें कॉन्ट्रा में पीस लिखा है, मतलब अपने ही एक लंबे निबंध में जिसमें खुद स्वामी ने इस बात को माना है ये कहते हुए कि अंबादास को मैं एस्टेट आर्टिस्ट नहीं मानता, लेकिन उन्होंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है कि उसके जरिए अगर मैं उसको ठीक समझ पा रहा हूँ शब्द याद नहीं समय कि हमारे हमारी स्मृति भंडार में से या बहुत सारी चीजें खुलती हुई दिखाई पड़ती, तो इसका ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं मानते थे कि आप कला को किसी ऐसी रियलिटी से नहीं जोड़ोगे जो सामाजिक सांस्कृतिक है, पर उस समय वो बहुत सारी चीजों से पेंटिंग के बोझ को कम करना चाहते थे और वो बहुत बड़ा, मैंने कहा ही इसीलिए कि वो बहुत बड़ा काम उनका, हम सब मानते हैं कि एक ऐसी स्टेज पर, अब फिर उस ग्रुप का जो योगदान है क्योंकि सब लोगों ने भी मुक्त किया, कोई नैरेटिव नहीं है, जयराम पटेल के काम में, अंबादास के काम में, स्वामीनाथन के काम में, यहाँ तक न हिम्मत के काम में, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आप देखो एक्सेप्ट परहर ज्योति भट्ट जिनको जिन्होंने मतलब फिर वो दूसरा प्रसंग हो जाए उसमें अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन ज्यादातर लोगों के उस ग्रुप के और उस ग्रुप का तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है ऐसा हम मानते हैं। उसके आगे भी फिर एक बात चली, वो कहाँ तक चली उसकी बात फिर बहुत लंबी हो जाएगी, मैंने खाली इशारा किया था। तो ये जो मैं उसी अर्थ में कह रहा था, ऐसा नहीं मतलब कई तरह से आप देख सकते हो, मैं भी देखता हूँ उनके काम को, ऐसे मैंने खुद भी ये प्रतीक से बना ही लिया था कि चिड़िया की आवाज सुनी और फिर मैं कहाँ पहुंच गया कि चिड़िया निकलती है खोज में और संधान करती है और मैं जीवन को और कला को और नेचर को कला तरह से देखने लगा। अगर कुछ और हो तो मैं स्वामी अपने चित्रों में भी एक विरोधाभास का पेश करते हैं और अपने जीवन में भी अपने कि स्वामी वाचाल भी थे और खामोश भी, उनके चित्रों में भी वो खामोशी भी नजर आती है और उनका वो जो आर्टिकुलेशन क्षमता है वो भी नजर आती है। इसलिए अगर स्वामी की ही बात माने तो चित्र देखें उनकी इंटेंशंस को अपने ऊपर हावी न होने, खा वो प्रतीकों के बारे में हो या किसी भी और थियोरेटिकल इशू के बारे में, उनमें सच्चाई हो सकती है या उनमें उनका अगर ठीक या गलत आप मान सकते हैं, लेकिन चित्र देखें तो मुझे तो ये लगता है कि सारे चित्र जो हैं वो वर्णन मुक्त भी नहीं है,
जो दोहराव जी सेंस में नहीं, लेकिन ये शिलाखंड जो है उड़ते नजर आते हैं कई चित्रों में, चिड़िया उनको उड़ा के ले जाती है। मैंने एक बार लिखा था छोटा सा, मेरा अपना इंटरप्रिटेशन था, इंटरप्रिटेशन भी ना थी, जो जो मेरे ख्याल आए कि वो जो एक ग्रुप आकर्षण का एक बगावत सी करते हैं, ये देखता नहीं है होता है। तो इसको अगर आप, मुझे नहीं याद कि मैं बाहर गया हुआ था जब उन्होंने खास, अगर फ्री स्पिरिट को देखे तो उसमें कोई 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 गलत बात नहीं नजर आती, क्योंकि बार बार चिड़िया आती है उनके एक दौर के चित्रों में, बार बार वो पत्थर आते हैं, बार बार वो रंग इसी किस्म के। ये तो ठीक है कि वो प्रकृति वैसे नहीं जो कि कोट अनकोट नेचर पेंटिंग्स में होती है, या सजा की पेंटिंग में भी वो जिस तरह की प्रकृति है वो यहाँ नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बार बार दोहराए जाते हैं तो कुछ तो ऑब्सेशन रहा होगा उनके मन में या उनके अमन में, उनके अवचेतन में कुछ तो रहा होगा कि वो उसको उसको खोदे जा रहे थे, बाद जब छोड़ा तो छोड़ दिया, किसी और ऑब्सेशन के नीचे काम करने लगे। लेकिन दूसरे अंतिम दौर था जिसमें ये खुदरा पान था, जिसमें वो तिकोने, जिसमें वो कुछ ऐसे तांत्रिक से लगते हुए कुछ आकार, तो वो भी कुछ तो कर ही रहे थे ना वो, तो उसको जब हम देखते हैं तो के जो जो दौर है या जो दौरे उनपे पढ़ते थे उनका जिक्र करना कोई बुरी बात नहीं है, वो उनसे अन्याय नहीं है, उनकी बातों को मैं समझता हूँ कि कुछ कभी भूल भी जाना चाहिए। आपने वो संदर्भ दिए तो अच्छे किए, ये उनका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था, ही वॉज ए ग्रेट इंटेलेक्चुअल इन पेंटिंग, और उसका कोई नुकसान उनकी पेंटिंग को नहीं हुआ मैं लेकिन अगर हम अपने आप को बांध लें जो वो कहते थे या जो उनकी इंटेंशन थी, जो समझते थे कि पेंटिंग होनी चाहिए उसी से बने रहें, तो मैं समझता हूँ कि हम उनकी उनके चित्रों को सीमित करें। यानी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बल्कि शुरू में तो मैंने स्वयं कहा था कि उनके काफी चिंतना उसमें शामिल है, उनके पिक्चुरल डिवाइसेज भी शामिल हैं कि वो, और वो कलर ज्योमेट्री वाली बात मैंने कही थी कि उन फॉल्ट्स को लेकर, इमेजेस को लेकर, बार बार आने को लेकर, कि उसके जरिए भी वो कई चीजें साध रहे थे पिक्चुरल, वो तो बिल्कुल आप बात सही है। मैं खाली उस स्वामी की इस बात को इसलिए दोहरा रहा था कि अगर जब हम ये देखते हैं या तब से हम जैसे लोग देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीजों से मुक्त किया, एक 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 ऐसी स्टेज आई, जैसे एक घटना सुना इस प्रसंग में याद आ रही से सुना देता हूँ। राजा रवि वर्मा का जब जन्म शताब्दी वर्ष था तो बड़ा सेमिनार, नेशनल सेमिनार हुआ था, रामचंद्र ने बड़ी प्रदर्शनी लगाई थी, उसमें बहुत सारी बहसें उठी थी, फिर मैंने स्वामी से कहा, स्वामी ने चिट्ठी लिखी थी, सेन सारे चिट्ठी लिखी थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, कुछ राजा रवि वर्मा के योगदान को थोड़ा क्रिटिकली देखते हुए। तो मैंने स्वामी से एक दिन कहा कि कोई बात हो रही थी, तो बोले कि देखो ऐसा है कि वो तो हमारे भाई हुए, वो भी चित्रकार, मैं भी चित्रकार, पर बात सारी ये है कि वो जो अब जो हमको एक बोझ लगता है तो उस बोझ की बात भी क्यों ना करें, और हम उससे आगे, हम उसको छोड़ करके कहीं और क्यों ना बढ़ें, नहीं तो फिर वो चलता ही रहेगा। तो वो जो उन्होंने जिन चीजों से मुक्ति दिलाई, इसलिए थोड़ा जोर देकर कहने की इच्छा होती है कि हम फिर उसमें ना फंस जाएं। वैसे तो बात आपकी बिल्कुल सही है, मतलब मैंने खुद कहा था कि इस चित्र को लेकर मैं कहा नहीं सकता, और मैं तो ये पॉसिबल है, बल्कि एक अच्छे वर्क ऑफ आर्ट की एक बड़ी खूबी तो यही कि हमारे मन में हजार चीजें जगा देता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, deliberate intention tha unka that he wanted to relieve painting from any burdens, or was it that he unconsciously did this and the critics later on saw this in his work? नहीं नहीं, बिल्कुल सोचा समझा था, सब मानता हूँ। देखिए ना, ग्रुप 1890 का जो मैनिफेस्टो है
उसको जब पढ़ते हैं हम तो दिखाई पड़ता है कि वो और बातों में भी हमसे बातें जो हम लोग होती थी उसको कहते थे और वो हम लोग भी दिखता था और सचमुच उनके काम के लिए हमारा जो आकर्षण हमारी पीढ़ी का खासतौर पर बना या हम लोगों का जो उनके ठीक बात के थे मतलब 10-12 साल छोटे उनसे तो वो एक इसलिए बना था कि अच्छा हाँ क्या बात है क्या चमत्कार है क्योंकि हम सबको बहुत मानने के बावजूद इस ग्रुप के कई पेंटर्स के काम के सामने जब हुए तो लगा कि एक दर्शक के नाते कह रहा हूँ क्रिटिक के नाते नहीं कला पर लिखने वाले व्यक्ति के नाते नहीं बोझ सा मेरे उससे उतरा और बल्कि सच्चाई ये है कि देखिए वो बोझ उतर जाने के बाद फिर मैं पुराने जो काम है उनको भी ठीक पर्सपेक्टिव और ठीक लाइट में देख पाया कि आपका इतना कॉन्ट्रीब्यूशन है हम उसको मान लेते हैं हम आपकी बड़ी सराहना करते हैं क्योंकि आपने इतना किया लेकिन जैसे देखिए राजा रविवर स्वामी ने मुझसे कहा कि कोई और क्या झगड़ा है अब बस झगड़ा यही है कि भाई हम बहुत देर तक आपके काम को डिकोड करते नहीं बैठे रह सकते और आपने एक 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 स्टेज पर उनके भी जैसे था ना कि आपने महारत हासिल की कैनवस पेंटिंग गीजर पेंटिंग पर हम भी कर सकते हैं इसका अगला चरण हुसैन साहब थे काम कैनवस बिछा कर काम करना शुरू किया और बता सारी भित्ति तोड़ दी तो 18-20 साल के लड़के भी कैनवस उठाने लगे 60s में जो याद है कहाँ रहो कैसी हिम्मत होती थी आपको याद देखिए 60s में खुद स्वामी वगैरह जब काम कर रहे थे अम्बादास जी तो यहाँ बैठे हुए हैं तो उसमें सत्र की चीज थी साधनों की कमी उसके अलावा ये था कि ये बात थी कि मतलब हम कैनवस को कैसे बरते अच्छे रसों में उसकी उसके लिए खोज थी लेकिन सच पूछे तो मटेरियल को लेकर भी वैसी फ्रीडम कहाँ हुई थी हमारी कला जगत में जो मतलब हुसैन ने जब करके बता दिया तो हो गई कि अब सब मिट्टी उठ गई है कागज है उसको बरत सकते हो तो इस तरह की कोई खोज जब आती है कोई चीज आती है तो हम उसको उसी लाइक में देखते हैं और अच्छा लगता है मतलब एक समझ कह सकता हूँ हमारी समझ एक दर्शक की समझ थोड़ा बढ़ती है मित्रों तो पुराने बहसिए हैं तो उत्साह जाग रहा है एक बहस इस पर की और मैं वो नहीं करूंगा मुझे लगता है कि स्वामीनाथन एक शास्त्रीय संगीतकार की तरह कैसे शास्त्रीय संगीत में आवर्तन जो है वो बहुत ही आवश्यक है मतलब उसके बिना राग रचना होती नहीं है आप बार बार लौटते हैं तो एक तरह से वो एक शास्त्रीय संगीतकार थे जिनके लिए इतिहास शब्द बोझ था लेकिन स्मृति शब्द सहज था इसलिए वो स्मृति के चित्रकार हैं इतिहास के चित्रकार नहीं है उस अर्थ में जैसे बहुत सारे लोग अपने को ऐतिहासिक बोध इत्यादि से संपन्न मानने के कारण ऐतिहासिक ढंग से काम करते वो पर इस पर अलग से बहस हो सकती है कि इतिहास और स्मृति में क्या संबंध है इत्यादि इत्यादि उसका भी अवसर नहीं है पर्याप्त आपका बौद्धिक रंजन हो चुका है अब कुछ रस रंजन की बारी है तो बाहर वो भी है और जाते हुए उस कलाकृति को मूल में देखना न भूलें आप सब यहाँ आए कूपनार्थियों से हम आप सबके बहुत आभारी हैं और प्रयाग जी के भी अगला कब होगा हमने बहुत सारे लोगों ने वादा कर रखा है एक आध वादा करने वाले लोग यहाँ बैठे हुए भी एक आध भाग भी गए दीदी से भाग गई है करोड़ी तो बैठी हुई है और प्रणव रंजन रे और इत्यादि इत्यादि बहुत सारे लोग हैं ज्योति जैन जिन्होंने वादे कर रखे हैं अब देखिए कब कब होगा लेकिन हर महीने एक बार आपको कलाकृति से साक्षात करने का अवसर हम देते रहे और आप आते रहेंगे इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद Gracias.